हरीश रावत से जुड़ा हुआ पूरा मामला और विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ स्टिंग मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और सीबीआई उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि इस मामले में सीबीआई की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है। वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई की एप्लीकेशन स्वीकार कर ली है। इसके बाद हरीश रावत पर अब कभी भी वो गाज गिर सकती। दरअसल मामला है मार्च महीने का 2016 का, जब जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने बागी तेवर अख्तियार कर लिए थे और उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसमें विजय बहुगुणा का नाम शामिल है, सतपाल महाराज जिसमें शामिल है, हरक सिंह रावत इसमें शामिल हैं और बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। 9 बागी तेवर अपनाने वाले विधायक थे। अब इसी मामले में आरोप हरीश रावत पर यह है कि उनके बागी तेवरों को नर्म करने के लिए, पार्टी के साथ बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ पैसों का उनको जो है ऑफर किया और उसी का एक स्टिंग भी सामने आया। एक निजी चैनल ने इसका जो है स्टिंग किया था और इसी मामले में आप सीबीआई उनको गिरफ्तार कर सकती है। नोटिफिकेशन एप्लीकेशन मूव की थी पेटिशनर के द्वारा, उसमें उसे उन्होंने नोट प्रेस किया है और हमने कोर्ट को इंटीमेट किया है कि हमारी पीई कंप्लीट हो गई है एंड वी आर गोइंग टू रजिस्टर्ड एफआईआर और कोर्ट हैज ऑलरेडी फिक्स इन दिस मैटर 20th of September एंड नाउ द केस विल कम फॉर हियरिंग ऑन 20th of September। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी तो हमने कोर्ट को इंटीमेट किया है कि हमारी पी कंप्लीट हो गई और हम एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। तो अब सीबीआई दर्ज कर सकती है और कोर्ट को इसीलिए हमने इंटीमेट किया। वही स्टिंग मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि इन सब के पीछे बीजेपी सरकार है, हालांकि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और इसलिए वो न्यायालय की शरण में है। ठीक है, सरकार का रोल है, उसके रोल के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, वही जो कुछ रोल आउट करते हैं, लेकिन हम न्याय की शरण में हैं, न्यायालय की शरण में हैं। जो 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 न्याय जो न्यायालय का निर्णय होगा हमको सिरोधारी है। चलिए एक बार फिर से पूरा मामला आपको बता भी देते हैं कि मामला है क्या। दरअसल मार्च के महीने का मामला है 2016 का, 9 कांग्रेसी विधायकों के बागी होने का मामला। एक न्यूज चैनल ने इस बाबत एक स्टिंग जारी किया था और इस स्टिंग में खरीद फरोख्त की बात सामने आई थी और हरीश रावत के खिलाफ फिर सीबीआई जांच भी इस मामले में शुरू हुई। बाद में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार गिर गई और केंद्र ने हरीश रावत सरकार को बस बर्खास्त कर दिया था, राष्ट्रपति शासन लग गया था। हालांकि उसके बाद ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता चला गया और उसके बाद कोर्ट का रुख हरीश रावत ने किया। नैनीताल हाईकोर्ट ने फिर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें उस फैसले को निरस्त करते हुए एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बनी और उन जिन 9 विधायकों ने बागी तेवर अख्तियार किए थे उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई भी की गई थी। और अजीत राठी हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, पूरा मामला भी हमने दर्शकों के बीच में रख दिया है, इस मामले की सुनवाई जो है अगर आज की बात करें तो कब सूचीबद्ध की गई, कब होनी है और क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं हरीश रावत की? हाँ देखिए राजीव, आप देश भर में जिस तरह का माहौल ईडी और सीबीआई का देख रहे हैं तो उसके मद्देनजर तो हरीश रावत की परेशानी बढ़ना लाजमी है। और ये मार्च 2016 का मसला है जब 9 विधायक दल बदल करके भाजपा की तरफ चले गए थे और उसके बाद फिर हाईकोर्ट ने और उसके बाद फिर हाईकोर्ट के बाद फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को वेट किया। और चूंकि कांग्रेस का दावा था कि हमारे पास बहुमत है, भाजपा हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, तो वो पदासीन तो पुनः पदासीन तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हुए। लेकिन उसी समय के जो निजी चैनल अभी आपने जिसका जिक्र किया तो उसने उसकी स्टिंग के बिना पर एक केस दर्ज हो गया था और सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई थी। तो सीबीआई उसी मामले की जांच कर रही है। अभी आपने अभी कर्नाटक का एक मामला अभी देखा होगा कल शाम की, डी शिव कुमार बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं कर्नाटक के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पहले पी चिदम्बरम, उससे पहले अजीत जोगी के बेटे। तो ये जो ये क्रम राजीव चला आ रहा है तो इसमें लगता है कि चूंकि कल यहाँ उत्तराखंड में बहुत हलचल थी और पूरी संभावनाएं इस बात की जताई जा रही थी कि रात में हरीश रावत गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले को आप पूरा करके पहले जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करिए, तब उसके बाद हम फर्दर कोई एक्शन के लिए आपको परमिशन देंगे। तो हाईकोर्ट के रुख पर निर्भर करता है कि हरीश रावत की गिरफ्तारी होती है कि नहीं, चूंकि सीबीआई को यह हिदायत है कि पहले आप हाईकोर्ट को बताएंगे। अब यदि हाईकोर्ट मतलब साइलेंटली कोई आदेश दे देता है जैसा नहीं होना चाहिए तो वो अलग बात है, लेकिन अब हाईकोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि हरीश रावत की गिरफ्तारी होती है। जांच रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है या फिर अभी सौंपी जाएगी?
नहीं, वो देखिए राजीव, मैंने भी बताया कि वो जांच पूरी करके सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट कर दी है। तो हाईकोर्ट के जैसे पहले से ही आदेश थे कि आप जांच रिपोर्ट करके पहले हाईकोर्ट को अवगत कराएंगे, उसके फर्दर कोई दूसरी कानूनी कार्रवाई होगी। तो एक ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसके आगे की प्रक्रिया अरेस्टिंग की ही है, और वो कब हो जाए कब नहीं हो जाए ये इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी तैयारी पूरी चल रही है। जैसे यहाँ सीबीआई का ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, वहां पूरी तैयारी इस तरह की देखी जा रही है। राजनीतिक माहौल में हरीश रावत को लेकर इन सब चीजों की चर्चाएं आम हो रही है, तो लगता है कि गिरफ्तारी हो सकती है, जल्द हो सकती है, क्योंकि रात भर इस चीज का मूवमेंट रहा है। जी जी हरी जी, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जो हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज है बताया जा रहा है कि, और हरीश रावत कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है न्यायालय में, और अब इस पर फैसला भी लेना है न्यायालय को। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।